हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, ग्रेटर नोएडा एक गांव अस्तौली, वहां से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल रोजगार विद अंकित में। दोस्तों, यूपी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमारे दे दीजिएगा। तो मैंने सोचा कि जब उनके मन में कमेंट्स है तो बहुत सारे लोगों के मन में होंगे, तो ये सारी बातें थी। तो मैं इन सब बातों का एक ही वीडियो या सभी कमेंट्स के जवाब का एक ही वीडियो बना के देना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे 41,520 सिविल पुलिस ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो दोस्तों इसका आइडिया ना तो मेरे पास है ना यूपी पुलिस के खुद के पास है, लेकिन एक आइडिया मैं आपको बेसिक सा दे सकता हूँ। एक नोटिस है जो अभी अभी जारी हुआ है 26 अप्रैल को, और शायद आपके पास भी होगा क्योंकि आपको तो मुझसे ज्यादा एडवांस है और इस चीज के बारे में आपने ज्यादा खोजबीन तलाश करनी है आगे। ठीक है, तो मुझे तो बस इतना ही है कि मेरे पास चीजें आती हैं तो मैं आपको सर्कुलेट कर देता हूं, ताकि जो मेरे पास है वो सब आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, 26 अप्रैल 2019 का ये लेटर है और इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 29 अप्रैल से जो ट्रेनिंग या ज्वाइनिंग होनी चाहिए सिविल पुलिस की होनी चाहिए। तो बहुत पहले से जिक्र चला हुआ है कि 29 अप्रैल से ज्वाइनिंग या आधारभूत ट्रेनिंग, जिसको हम बोलते हैं JTC, वो शुरू कर देनी चाहिए। और RTC की भी डेट इसमें इन्होंने दी थी कि RTC ये लोग JTC के बाद कराएं। तो ये इन्होंने सब कुछ बातें बोली गई थी, पर अब बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा सटीक जानकारी इसकी किसी के पास नहीं है कि कब ज्वाइन कराने वाले हैं आपको। ठीक है, तो आइडिया मान सकते हो कि जी किसी को 8 मई बोल रहे हैं, किसी को 10 मई बोल रहे हैं कि वो डेट है, ये डेट है, तो वो सब आइडिया ही है पुलिस वालों का, क्योंकि सारी तैयारियां फुल हैं, लेकिन अभी कुछ रिमेडिकल भी बाकी है। कुछ बच्चों का डेटा भी बचा हुआ है जो अभी आयोग से या भर्ती बोर्ड से नहीं पहुंचा है डिस्ट्रिक्ट में जिसमें उनका मेडिकल होना है। तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बच्चे बचे हुए हैं, जाने तो ट्रेनिंग पे ये भी उन्हीं के साथ हैं। तो जब तक ये डेटा सब कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाएगी, तब तक ज्वाइनिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सभी का मेडिकल होना जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसा मान सकते हो शायद मेरे हिसाब से कि मई के लास्ट तक आप सबकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, अगर ये बहुत जल्दी ये लोग करेंगे तो। पर फिर भी कहीं ना कहीं इलेक्शन थोड़ा थोड़ा अड़ंगा डालेगा ही कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप मान के चलिए 23 मई का रिजल्ट है, तो उसके बाद मुझे लगता है ज्वाइनिंग के लिए आप लोगों को बुलाए। ठीक है, ये सब मेरा आइडिया है, बाकी कंफर्म कुछ भी नहीं है। बाकी 41,520 PAC का मेडिकल कब तक हो जाएगा, दोस्तों इस लेटर से बहुत सारी चीजें क्लियरिटी आ रही थी। तो ये लेटर 26 अप्रैल को निकलने का मतलब यही है कि द्वितीय चरण में साफ साफ बोला है कि द्वितीय चरण में 18,000 जो पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का द्वितीय चरण में स्वास्थ्य परीक्षण और पुलिस चरित्र सत्यापन अग्रेतर कार्यवाही उत्तर प्रदेश PAC मुख्यालय लखनऊ में कराया जाना अपेक्षित है। तो ऐसा इन्होंने बोला है कि द्वितीय चरण दोस्तों ऐसा होता है, इनकी ज्वाइनिंग तो ये देने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, मतलब इनका 6 महीने पूरे होने के बाद सिविल वालों का, तो आप लोगों को ज्वाइनिंग देंगे सिविल PAC वालों को। लेकिन ये सोच रहे जब मेडिकल का पूरा सेटअप तैयार है तो मेडिकल क्यों ना अभी करा लिया जाए सबका। ठीक है, दोबारा पूरा सिस्टम जोड़ना पड़ता है, सारे हॉस्पिटल्स को बताना पड़ता है, तो वो सारी बातें हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने UPSI का जो बच्चे पेंडिंग थे सबका मेडिकल अभी कराया है, सारे लोगों का एक साथ ही मेडिकल करा लिया है, क्योंकि भाई दोबारा काम जोड़ना एक बड़ी बात होती है। तो मान के चलो कि शायद PAC के मेडिकल भी मई में शुरू होने वाले हैं, तो आप ऐसे मान सकते हैं PAC वाले। ठीक है, कौन से मई से किस डेट से, तो वो आप आइडिया ले सकते हो 10 मई के आसपास से। ठीक है, तो 49,568 रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा, तो 49,568 का रिजल्ट मैंने सबसे पहले बताया था पूरे YouTube पर कि भाई ये आपके इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही आएगा, उससे पहले कोई चांस नहीं है। और अब वो चांस आपको नजर भी आ रहे होंगे कि 23 मई के बाद, चाहे वो 24 मई को ही आ जाए रिजल्ट, ठीक है, लेकिन अब आएगा 23 मई के बाद। तो आप मान के चलो कि मई के लास्ट में कर 31 मई का पहले ही घोषित है कि SSC GD का, और 31 मई के आसपास ही मान लो आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट थोड़े बहुत ही अंतर से ये दोनों रहने वाले हैं। बाकी UPSI के न्यू फॉर्म कब तक, दोस्तों उन्होंने तुरंत बोला था, कई न्यूज़पेपर में मैंने भी पढ़ा था कि ये जो न्यू फॉर्म UPSI के आने हैं तुरंत इलेक्शन के बाद ही, क्योंकि इलेक्शन के बीच में, आचार संहिता के बीच में
नहीं निकाले जा सकते फॉर्म, तो इसके तुरंत बाद हम लोग फॉर्म निकालने वाले हैं यूपीएसआई के, जबकि इसकी बात चल रही है पिछले साल जनवरी से, हर मतलब हम 2 साल से इसकी आस लगाए बैठे हैं। तो आप ये मान लीजिएगा बिल्कुल इन्होंने फाइनल बोल दिया है कि भाई इसके बाद यानी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पक्का ये फॉर्म आ जाएंगे। तो आप मान के चलो अगर इन्होंने बहुत जल्दी भी की तो जून के लास्ट या जुलाई के, तो मैं जुलाई मान रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड, हालांकि वो तो जून के लिए ही बोल रहे हैं, पर जुलाई तक तो आपके फॉर्म आ ही जाने चाहिए। और इन्होंने बोला था कि हम इसमें दिसंबर तक इस भर्ती को फाइनल कर देंगे, इनके बोलने के अनुसार बोल रहा हूं मैं कि फॉर्म निकालने पर दिसंबर 2019 तक हम फाइनल रिजल्ट दे देंगे, पर ऐसा संभव लगता नहीं है, पर हो कुछ भी सकता है। भर्तियां इन्होंने बहुत जल्दी की हैं, ऐसा कभी यूपी में हुआ नहीं था, ठीक है, कि यूपी पुलिस की इतनी जल्दी 1 साल के अंदर अंदर भर्ती पूरी हो गई हो, तो हो सकता है कुछ चांस। तो आप ये मान के चलिएगा जुलाई के बाद आपको यूपीएसआई की तैयारी के बहुत कम मौके मिलेंगे, तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा जो बच्चे इसको टारगेट रख के बैठे हैं। दूसरी बात कि जेल वार्डर और फायरमैन की लिखित परीक्षा, ये भी बड़ा सवाल है, और उनका भी यही मकसद है कि भाई ये जो टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा ये आपका इलेक्शन के तुरंत बाद पे ही अटका हुआ है। तो मैं मान के चलूं कि ये जून में ही करा पाएंगे, अगर बहुत जल्दी भी किया तो ये जून के लास्ट तक करा सकते हैं, तो जून के लास्ट वीक तक ये उम्मीद है, ठीक है, जेल वार्डर और फायरमैन। और बहुत बच्चे इस चीज के लिए पूछते हैं कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल में क्या नई भर्ती आने वाली है। दोस्तों मैंने इसके लिए डाला हुआ भी था, मतलब आरटीआई भी डाली थी, पर आरटीआई वालों का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 1.5 महीना आरटीआई को हो गया, 1 महीने का टाइम होता है, तो मैं फर्स्ट अपील की तैयारी कर रहा हूँ कि मैं फर्स्ट अपील के लिए जाऊं, तो जब रिप्लाई नहीं आता है, संतुष्ट नहीं होते, तो आप फर्स्ट अपील के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसका मुझे जो अपना आइडिया बोलता हूं वो ये हो सकता है मुझे कि भाई जो है योगी सरकार ने उस टाइम पे बोला था कि 1.5 लाख भर्तियां आएंगी, 1.5 लाख, लेकिन अगर आप देखो अपनी मिला के यूपी पुलिस की फायरमैन जेल वार्डर एसआई वगैरह सब मिला दो तो 1 लाख भर्ती के आसपास बैठती हैं दोनों भर्तियां और वो सब मिला के, ठीक है, तो बचती हैं 50,000 भर्तियां जो योगी सरकार के कार्यकाल में कभी भी आएंगी, लेकिन कब आएंगी इसकी गारंटी अभी नहीं दी जा सकती कुछ भी। ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में आरटीआई में, लेकिन इसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं है, ठीक है। दोस्तों ये सारी बातें आपसे करनी थी, उम्मीद है आपको क्लैरिटी आई होगी कुछ मेरी वजह से, तो ओके दोस्तों मिलते हैं बिल्कुल। और अगर आप लोगों का इनमें से कहीं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं फिलहाल किस चीज की करें, तो आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर के चल रहा हूँ पूरी मेहनत से, जैसे यूपी पुलिस लिया था उसी हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अगर आपको नौकरी चाहिए तो उधर भी नौकरी जबरदस्त है, बाकी आपकी मर्जी है, जब आपका मन करे तब पढ़ने आ जाना, मैं पढ़ाने को तैयार हूँ। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं। और हाँ, बहुत बच्चे पूछते हैं कि यूपीएसआई की तैयारी कराओगे, बिल्कुल कराऊंगा, 100% कराऊंगा, लाइव आके कराऊंगा। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी तो उसके लिए भी लाइव आके कराऊंगा, बस दो ही चीजें हैं यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस, ठीक है, इनके लिए मैं लाइव आके तैयारी कराऊंगा, बाकी तो भाई ऐसे जैसे चल रहा है बाकियों की तो ऐसे ही कराता रहूंगा, ठीक है दोस्तों।